हेलो हाय फ्रेंड्स, इस खूबसूरत सुबह में आप सबका स्वागत है। तो आज का दिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट भरा है, क्यों? क्योंकि आ रही है इत्तू की नानी और ये रहा मेरा प्यारा सा बेबी, बिना नहाए हुए अपनी नानी की राह देखते हुए। अंगूठा पीना गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। No. तो फ्रेंड्स, इत्तू की नानी का आना बेहद ही जरूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि इत्तू ने रो रो के अपनी हालत बिगाड़ ली थी। हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने अपनी नानी से वीडियो कॉल पे बात कर ली। अभी इतना छोटा बच्चा समझ नहीं पाया कि नानी दिख तो रही है पर ये सामने क्यों नहीं है, मैं इनकी गोदी में क्यों नहीं जा पा रही हूँ। और दो दिन से ये लड़की इतना रो रही है, गुस्सा गुस्सा होके रो रही है। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी तुम आ जाओ, एक दिन इसके पास रहो, फिर ये नॉर्मल हो जाएगी। लड़की रात भर सिसक सिसक के रोई है। इत्तू को उबटन, नानी के आने की खुशी में जल्दी जल्दी नहा के सुंदर बन गए, है ना? सुंदर बन गए। ठीक है, देखे देखे ठीक है, बस ये हो गए तो रेडी। अब ये हो गए पूरी तरीके से रेडी। मैं भी अब रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरी ड्रेस। और ताजा जानकारी के मुताबिक मम्मी घर से निकल चुकी हैं, कुछ ही देर में पहुँचने वाली होंगी यहाँ पे। हाय। नहीं थके की कुछ नहीं है, एक्टिंग है सब। बाबू इधर देखो, आज का दिमाग चला। बाबू नींद में देखो, बाबू नहीं नींद में देखो, लेकिन देखो बाबू 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 गोदी ले ली बाबू को, बाबू गोदी ले ली देखो, बना रही हूँ मम्मी के लिए दाल मखनी। मेरी दाल मखनी और ये बनाया मैंने खीरे का रायता। कैसा बनाया मम्मी? टेस्टी। सो फ्रेंड्स, मम्मी को तो खाना बहुत अच्छा लगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।